What is up, Foodscapers? How you guys doing? And I hope you guys are doing absolutely fabulous. So, आज का टॉपिक मैं बहुत सिंपल सा लाया हूँ एंड आज का टॉपिक बहुत ज्यादा जिंदगी में इंटरफेयर करता है. सो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा टॉपिक लेके आया है जो जिंदगी में इतना इंटरफेयर करता है. सो दैट इज क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स. ये दो जो टॉपिक्स है वो आज हम लोग क्लियर करेंगे. बिकॉज क्वांटिटी का अगर देखा जाए तो क्वांटिटी कैसे होता है, अभी आप सोचोगे कि क्वांटिटी मतलब बल्क प्रोसेस. नहीं, क्वांटिटी मतलब छोटे छोटे जो हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं जिससे एक क्वांटिटी प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं क्वांटिटी. एंड मेजरमेंट्स तो हम लोग को सबको पता ही है कि छोटे छोटे जो चीजें हम लोग नाप के लेते हैं उसे कहते हैं मेजरमेंट्स. सो मेजरमेंट्स और क्वांटिटी का एक दूसरे से लेना देना कैसे. सो अभी आप अगर देखोगे तो मेजरमेंट्स लोगे किसी भी चीज का तब जाके कोई क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट बना पाओगे. तो अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मेजरमेंट्स का. अगर आपने मेरा किसी वीडियो देखा है, अगर अभी आपने मेरा कोई वीडियो देखा है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दाल मखनी वाला. अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक ऊपर डाल दूंगा. सो मेरे दाल मखनी के वीडियोस में मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और उनके क्वांटिटीज बताए हैं एंड उसका कुकिंग प्रोसीजर बताया है. सो अगर आप लोगों ने वो ढंग से वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि इसके लिए कितना लगता है, वो कितने लोगों के लिए बनती है एंड कैसे बनती है. उसका कंसिस्टेंसी पता चल जाता है, उसका कलर कैसा आता है वो समझ में आता है और उसका टेक्सचर कैसा होता है वो भी समझ में आ जाता है. सो अगर इन मिजरेबल केस आपने जस्ट वो वीडियो देखा है बट आपको वो क्वांटिटी समझ में ही नहीं आई और आपने तो बना दी बट एंड रिजल्ट आया कि भाई कलर ठीक आया बट टेक्सचर अलग आया और उसकी कंसिस्टेंसी भी अलग आई, तो कैसे. दिस इज बिकॉज जो कुछ चीजें हम लोग मेजर करके डालते हैं उसका एंड प्रोडक्ट जब बनता है तब वो एक फॉर्मेट में जाता है. सो किसी भी चीज को नाप तोल के डालोगे तो उसका जो एंड रिजल्ट है जो जैसा आना चाहिए वैसा ही आता है. सो टू मेक दिस वेरी क्लियर, अभी हमारे यूथ में दो ऐसे मतलब पार्ट प्ले होते हैं जिनको दो तरह की मैगी खानी अच्छी लगती है. फर्स्ट बीइंग ऐसे लोग जिनको मैगी खाना पसंद है बट वो पहले पानी में मैगी डाल देते, और दूसरे जो हम हैं वो पहले मैगी मतलब पहले मैगी नहीं डालते, पहले मसाले डाल देते. सो ओके लेट्स इमेजिन, ओके एक साइड पे मैंने दोनों साइड पे मैंने बर्नर्स रख दिए है और दोनों बर्नर्स पे एक एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर पानी डाला है. ओके फर्स्ट वाली कढ़ाई में मैंने डायरेक्टली उबलते हुए पानी में मैंने क्या डाला, मैगी डाली. दूसरे इधर मेरे जब पानी में थोड़ा सा उबल आया या फिर ऐसा वो जो सिजलिंग साइड से आता है कर्व, तब मैंने उसमें जाके मसाला डाल दिया. तो इससे क्या होगा, अभी फर्स्ट केस में तो मैंने मैगी डाल दी है, अब तो मैं इसको निकाल नहीं सकता, और अगर निकाल भी दिया तो वो गंदी लगेगी बिकॉज आधी गीली है आधी ड्राई है, बाद में अगर फिर से डालूंगा तो और गंदी हो जाएगी और मशी हो जाएगी. यहां पर मैंने पहले मसाला डाल दिया, ओके इससे क्या होगा. ओके सो हमारे पैकेट्स में जो मसाला आता है वो गिन के आता है और एक मेजरमेंट के साथ आता है, और वो जो एक पैकेट आता है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और उसका टेक्सचर बिल्डअप करने के लिए बना होता है. सो अभी अगर आप मैगी के मसाले का जो पैकेट होता है उसमें देखोगे तो उसमें कई सारे मसाले मेंटेन होते हैं जो डालते डालते ही समझ में आ जाते हैं. सो कैसे हो जाता है, अभी आप किसी भी पानी के सोर्स में मसाला डालते हो या फिर पानी हो चाहे ऑयल हो या फिर किसी भी हॉट चीज में अगर आप मसाले डाल देते हो तो उसका क्या होता है. फर्स्ट थिंग मसाला खुल के आ जाते हैं, उनका फ्लेवर आ जाना चालू कर देता है और उनके सेंट्स आने लग जाते हैं. सो उनका अरोमा आता है, उनके टेस्ट खुल जाते हैं एंड वो सारे पानी को अपना फ्लेवर दे देते हैं. ओके सो दैट बिकम्स नथिंग बट स्टॉक. और यहां पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, यहां पर तो सीधा मैदा गया है इसमें पानी में. यहां पर क्या हो रहा है, एक फ्लेवरफुल लिक्विड बना जा रहा है जो बाद में जो एडिशनल इंग्रेडिएंट जाने वाला है उसको सपोर्ट करेगा. सो और सिंप्लीफाई करने के लिए
मैंने वो मसाले वाले पानी को चख के देखा तो उसमें मसालों का टेस्ट आ रहा था, यहाँ पर मैंने पानी को चख कर देखा तो उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था, वो पानी मैदा जैसा लगने लग गया था। डिफरेंस इज व्हेन यू मेक एनीथिंग देयर इज सर्टेन फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाए तो दैट बिकम्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट उसका डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और उसका पर्टिकुलर सेंस नहीं बना जाता। अगर किसी भी चीज की बात करें, अभी अगर राइस है, हम राइस को सीधा निकाल के, मतलब उसको निकालते एक डिश में, उसको बिना पिक किए ऐसे ही नहीं डाल देते ना, पहले हम लोग राइस लेते हैं, उसको एक मतलब ताट हम मराठी में कहते हैं, थाली में रखते हैं हिंदी में कहते हैं, तो थाली में रख के हम लोग उसके अंदर के सारे गंदगी जो है वो निकाल देते हैं, लाइक स्टोन्स रहते हैं या फिर कुछ हे रहती है, लाइक मतलब जो रेजिड्यू रहता है ग्रेन्स का वो रहता है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे जो नहीं चाहिए उसमें, फिर उसके बाद हम लोग राइस को धोते हैं, उससे क्या हो जाता है एडिशनल जो स्टार्चेस है जो ऊपर फॉर्म होके आते हैं वो निकल जाते हैं एंड द राइस बिकम्स अ प्योर राइस ग्रेन। अगर आप पहले ही जो बिना वॉश किया हुआ राइस है वो ऐसे ही डालोगे तो वो तो एकदम ऐसा जमा हुआ थार का हथौड़ा बन जाएगा ना। अगर आप उसको वॉश करोगे एंड देन यू कीप इट फॉर सम टाइम एंड उसके बाद आप जब पानी में उसको उबालने डालोगे तब जाके वो खुला खुला राइस बनेगा। अभी उसके बीच में भी एक सेकेंड स्टेज है, आपने बस धो दिया और डायरेक्टली पानी में डाल दिया, तो उससे क्या होगा एक ऐसा राइस का फॉर्म बन जाएगा जो थोड़ा लंपी होगा, जो थोड़ा खुला होगा, ऊपर से खुला खुला तो दिखेगा, नीचे आप जब स्कूप करने जाओगे तब पूरा मशी मशी हो जाएगा। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, राइस लेते हैं, राइस को धोते हैं, उसको 10-20 मिनट बाजू में रख देते हैं, उससे क्या हो जाता है जो पानी राइस अब्सॉर्ब करता है वो एडिशनल पानी नहीं मांगता, उसके अंदर के स्टार्चेस खुलने लग जाते हैं, दे स्टार्ट अडॉप्टिंग वाटर, तो उसके वजह से राइस खुला खुला बन जाता है। तो अभी इसका क्वांटिटी से क्या लेना देना, एग्जैक्टली है उसके साथ क्वांटिटी का लेना देना। आप अपने अगर एक वाटी चावल लिया है उसको आप पकाने जाओगे और आपके सोच में है कि मेरे घर में दो लोग जो है वो चावल खाते हैं, वो एक वाटी चावल अगर मैंने लगा दिए तो तीन लोग खा सकते हैं, आपने फर्स्ट मेथड से तो बना लिया बट वो बना डेढ़ लोग के लिए, बिकॉज आपने क्या किया डायरेक्टली उसको निकाला और डाल दिया, वो तो बन गया गट्टू। सेकेंड स्टेज में आपने क्या किया, हम लोगों ने लिया वो राइस का कटोरा, उसको अच्छे से ये किया, उसको धो लिया, उसके अंदर के स्टार्चेस तो निकाल दिए, अब क्या, अब तो मैंने डाल दिया सीधा बॉइलिंग में। तो जैसे मैंने कहा सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि हाँ ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, हाँ भाई तीन लोगों को हो जाएगा, अरे इसमें दो लोग खा लेंगे, इसमें दो लोग खा लेंगे बट उनको वो राइस पसंद आएगा क्या, इज द पॉइंट। थर्ड इसमें अगर आपने, मैंने जैसे बताया वैसे करोगे, अभी आपने पहले वो कटोरी भर के चावल लिया, उसको आपने अच्छे से मतलब निवाला वगैरह देख के आपने उसको अच्छे से धो के उसको साइड में रखा और फिर उसको आपने बॉइलिंग डाला। हाँ आई अग्री कि यहाँ पर टाइम ज्यादा लगता है बट द एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो राइट गुड। और वो थर्ड इसमें आपने जो चावल बनाया वो तीन लोगों के लिए बहुत सफिशियंट है, और ये लोग जो चावल नहीं खाते वो भी ये चावल खाएंगे, द रीजन इज साइकोलॉजी। लोगों को या फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं वो अगर इंद्रायणी रहे तो मैं नहीं खाता हूँ, आई प्रेफर बासमती ओवर इंद्रायणी। अगर हाँ ठीक है, What my mom does is इंद्रायणी को भी कुछ टाइम के लिए सोक करके रख देती है, जिससे कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो इंद्रायणी खुला खुला चावल बन जाती है और फिर मैं खा लेता हूँ, एंड देन मॉम सेज मी कि हाँ ये इंद्रायणी था, देन आई एम लाइक ओके बट ये ऐसा रहेगा तो मैं खाऊंगा। सो ये होता है लाइक खुला चावल सबको पसंद है, वो जो ऐसा स्टिकी राइस है वो बहुत कम लोगों को पसंद आता है, या फिर जो ट्रेडिशनली खाते आ रहे हैं उनको पसंद है, न्यूअर जनरेशन आर नॉट मच अडेप्टेड टू इट। हम लोगों के जनरेशन तक वो सारी चीजें है बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमारे तक वो चीजें लाई है, हम अपने बच्चों को देंगे या नहीं देंगे वो हमारा क्वेश्चन है। द थिंग इज ये सारी चीजें तो ग्रो होती रहेंगी और जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहेगी, बट लेट्स कम बैक टू क्वांटिटी।
तो क्वांटिटी के चीजें बनाते टाइम पे देर आर सर्टन लिमिटेशंस, या फिर हम लोग क्वांटिटी मेजर करने के लिए सर्टन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। यूजुअली हम फूड शोज देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर कहीं रील आ जाती है, या फिर कहीं यूट्यूब के शॉर्ट्स आ जाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है कि समझ में नहीं आती। औंस, कप, या फिर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, एक मेरे को वो मेजरमेंट याद नहीं आ रहा है, बट अगर मैंने आपको बताया एक चम्मच, आधा चम्मच, 1/4 चम्मच, तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि चम्मच तो हम लोग हर रोज चम्मच से तो हर रोज खाते हैं ना, हम लोग थोड़ी ना कप से पानी पीते हैं, कप से तो बस चाय पीते हैं, चाय का कप तो सबके घर पे अलग अलग शेप्स और साइज का रहता है, तो फिर ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि भाई मैंने अगर एक कप बोल दिया तो मैं छोटा वाला कप से चाय पीता तो मैं एक ही कप पानी डालूंगा, एक ही कप ऑयल डालूंगा, वो तो हर एक उसमें। अभी अगर मेरे घर में छोटे कप्स यूज होते रहेंगे, आपके घर में शायद बड़े कप्स यूज होते रहेंगे, तो मैंने बोला कि एक कप अगर पानी डाल दूं, मैं इतना ही डाल रहा हूं, आपके घर में तो इतना बड़ा कप है, आप इतना डाल रहे हो, तो क्वांटिटी कैसे मैच होगा? ये डिफरेंस होता है। सो एक अच्छे से प्रोडक्ट के लिए जो एक पर्टिकुलर लाइनअप आता है या फिर एक स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स रहते हैं, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो किसी भी चीज को बनाने के लिए हम लोग, लेट्स गिव मी एन एग्जांपल, ओके, बिरयानी, एवरीबॉडीज फेवरेट, राइट? बिरयानी का कैसे होता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर कैसे रहता है, नीचे का बेस जो होता है वो बहुत कम रहता है, 20%, उसके बीच का जो लेयर रहता है दैट इज राइस एंड ग्रेवी या फिर चिकन वाला, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30%, 30-35%, उसके ऊपर जो राइस जाता है दैट इज हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 20-25%, टोटल मिला के कितना हुआ, अराउंड 50-55 समथिंग, अराउंड 60, चल लेट्स टेक 60। तो ये जो 60 का ये जो मिक्सचर है उसमें फर्स्ट लेयर इतना है, उसके बीच में ये चंक वाला लेयर इतना है, और इसके ऊपर राइस वाला लेयर इतना है, isn't it? तो इससे क्या हो जाता है, एक क्वांटिटी बैठ जाती है जिससे अंदाजा आता है कि एक वेसल जो हम लोगों ने बिरयानी बनाई है ये कितने लोगों के लिए सफिशियंट रहेगी, भले वो या फिर वो आदमी को अगर देखा जाए वो कितना भी क्यों ना खाता, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपने हर एक चीज डंक के मेजरमेंट से अगर आप बना रहे हो तो आपको उसका अंदाजा 100% आएगा कि आप कितने क्वांटिटी में खाना बना रहे हो। मैं हमेशा घूम फिर के खाने की तरफ ही आने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा एक्सपर्टीज वो है, मैं कहीं और घुस नहीं सकता। अगर आपको वैसा एक सिमिलर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं मेजरमेंट के बारे में दे सकता हूँ, बट वो इररिलेवेंट है पूरा, बट लेट इट बी, लेट्स नॉट गो टू दैट। तो यहां कैसे हो जाता है कि जब आपको फोरकास्ट करना होता है, आज का फोरकास्ट इज बेसिकली फॉर मास प्रोडक्शन, या फिर अभी मास प्रोडक्शन का एग्जांपल देने बोले तो घर पे बहुत लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, या फिर दूर के रिश्तेदार घर पे आने वाले होते हैं, मामा मामी है, वो सब, या फिर हम किसी के पास जाने वाले, तो दे मेक अ सर्टेन पॉइंट इन देयर हेड कि भाई हम लोग चार लोग आने वाले हैं, चार लोग मिलके 8 लोग, एक्स्ट्रा बनाना है तो 2 लोगों का एक्स्ट्रा बना के रख देते हैं। हमारे घर की मम्मियां भी ऐसे ही करती है, हम लोग 4 लोग हैं, मैं रोटियां 2 लोगों की एक्स्ट्रा बना के रखूंगी, भले ही तुम लोग को भूख लगे ना लगे, आई एम मेकिंग इट। तो इससे क्या हो जाता है, मॉम प्लेज अ सेफर गेम, तो हमें भी एक सेफ गेम करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कैसे हो जाता है कि क्वांटिटी मैनेजमेंट समझ में नहीं आता है जल्दी, बिकॉज हर एक चीज में ऊंच नीच होते रहता है इस मतलब मेजरमेंट्स के बारे में। अगर स्पाइसेस के बारे में कहो तो कुछ स्पाइसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं, मतलब अपने नेचर की वजह से, कुछ स्पाइसेस ज्यादा डालने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लो नेचर। सो अभी अगर मैंने आपको बोला कि इतना इतना क्लव डाल दो, तो आप डालोगे क्या कभी जिंदगी में इतना क्लव एक बिरयानी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो क्लोव रहता है वो बहुत स्टिंजी रहता है, या फिर उसका फ्लेवर बहुत जल्दी बर्स्ट होना चालू हो जाता है, वो अरोमा जो उसका रहता है वो 1 या 2 डंठल से हो जाता है। उसी इसमें अगर आप छोटी वाली इलायची कहोगे तो वो 4 ले लेंगे,
क्यों? बिकॉज वो छोटी है, उसका फ्लेवर आने में बहुत थोड़ा 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 टाइम लगेगा। बट छोटी इलायची का कैसे हो जाता है, When that इलायची goes inside your mouth, तब जाके उसका फील आता है। तब तक उसका ज्यादा फील नहीं आता, बस उसका स्मेल आते रहता है। हाँ, इधर कहीं इलायची की खुशबू आ रही है, बट दैट स्मेल इज फ्रॉम द सीड विच इज इनसाइड इट। उसके बाहर के कोटिंग का तो कुछ संभाल ही नहीं आता। उसी इसमें अगर बड़ी इलायची का आ जाए तो बड़ी इलायची फ्लेवरफुल होती है, बिकॉज वो अलग सी बड़ी वाली ब्लैक वाली जो इलायची आती है वो, तो वो खुलती है तो वो अरोमा स्प्रेड करती है एंड टेस्ट भी स्प्रेड करती है, बिकॉज उसका जो मैच्योरिटी है वो अलग है। उसी अगर इसमें कहा जाए तो स्टार अनेज या फिर चक्री फूल या फिर उसको और कोई नाम है तो मुझे पता नहीं, बट अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप दिल खुलासा कर सकते हैं। वो जो चक्री फूल है वो हम लोग एक आध बार ज्यादा डाल देते हैं, क्यों? बिकॉज उसका जो टेस्ट है वो बड़ी सौंफ की तरह आता है या फिर सौंफ की तरह आता है, तो उसका वो खाने में मजा आता है, लाइक उससे भूख और बढ़ लगती है। बट अगर हाँ, अगर आपके गलती से खाने में वो चक्री फूल का एक भी स्टेम या फिर उसका एक भी पेटल आ गया तो तीखा लगने लग जाता है, क्यों? बिकॉज ये स्पाइसेस जो है उनके नेचर के साथ आते हैं, बट इनका नेचर हर एक चीज पर डिपेंडेंट रहता है। वो हम लोग किसी और ब्लॉग में या फिर किसी और फूडकास्ट में शूट करेंगे, बट अभी मैं क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा। क्वांटिटी हर एक चीज को डिफाइन करती है मेरे हिसाब से। सो लाइक मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ या फिर मेरी मॉम कुछ बनाने जा रही है, शी विल ऑलवेज थिंक अबाउट अ क्वांटिटी। हमारे घर में तो चार लोग हैं, आने वाले हैं और दो लोग, मैं एक लोग का ज्यादा बनाऊंगी या फिर मैं दो लोगों का ज्यादा बनाऊंगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बच जाएगा, मैं सुबह बच्चों को खिला दूंगी, बच्चों को खिला दूंगी इन द सेंस आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड आई ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। आई डोंट मतलब मैं नहीं बोल रहा ऐसा कुछ, बट हाँ आई यूजुअली लाइक डूइंग दैट। माय मॉम कीप्स अ लॉट ऑफ थिंग जो वन डे स्टेल रहता है एंड देन वी मेक चिवड़ा आउट ऑफ इट एंड वी ईट इट, यूजुअली चपाती और भाकरी के साथ होता है एंड आई लव इट, इसीलिए मैंने ये सब बोला। सबके घर में ऐसा होता है, आई डोंट नो। बट क्वांटिटी का कैसे होता है, व्हेन यू मेक थिंग्स इन क्वांटिटी उधर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं जब सारी चीजें खराब होने के तदार पे चालू होना जाती है। कैसे कहा जाए कि मैं बिरयानी बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग इट फर्स्ट टाइम, आई एम मेकिंग इट अराउंड अबाउट 7-8 टाइम, बट उसमें भी कैसे हो जाता है भाई, मेरा अभी तक उस चीज के बारे में हाथ साफ नहीं है। ऑब्वियसली यार, बिकॉज बिरयानी इज अ आर्ट, उसको मास्टर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। बिरयानी बनाते टाइम पे हर बार अगर आप कॉन्ट्रास्ट में करते रहोगे या फिर उसके साथ आरएनडी करना चाहोगे तो वो डेफिनेटली आरएनडी करना ही पड़ता है, उसके बिना बिरयानी कभी ढंग से नहीं बनती। आरएनडी करने के बाद मेरी मॉम, ओके आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, मेरी मॉम को अभी गए 7 साल हुए परफेक्ट बिरयानी बनाना आया। उसके पहले मम्मी और मैं या फिर मम्मी एट द मोस्ट टाइम्स यूज टू मेक अ लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ बिरयानी, जो पता नहीं कभी अच्छी लगती थी कभी गलत लगती थी, कभी थोड़ा इधर ऑफ हो जाती थी कभी बैलेंस आउट हो जाती थी। बट अभी जो मॉम बिरयानी बनाती दैट इज चुमा। हाँ, तो इसमें कैसे हो जाता है कि जो क्वांटिटी हम लोग लेते हैं या फिर जो मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं वो हर एक चीज एंड पार्ट ऑफ पार्सल होता है। सो मेजरमेंट से भी अगर हम लोगों ने लिया एक स्पून ये, एक स्पून वो, एक स्पून घी, एक स्पून कुछ भी हो जाए तो वो डिफर करते। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, शीरा। शीरा सबको पता ही है। तो शीरे में कैसा होता है, एक वाटी रवा, एक वाटी तूप और एक वाटी या फिर डेढ़ वाटी मिल्क, सिंपल, एंड एक वाटी शुगर। सारा क्वांटिटी का खेल है, सेम मेजरमेंट्स लिए, बस मिल्क का ज्यादा है बिकॉज इट इज हाइड्रेशन। अभी ये क्यों होता है, बिकॉज जैसे हम लोग घी में रवा सेकने लग जाते हैं द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मतलब स्क्वीज अप, स्क्वीज द, बट उसमें कैसे हो जाता है जब हम लोग मिल्क डालते हैं गर्म इसमें तो वो और पफ अप हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसको कंप्रेस कर रखा है,
एंड जब पानी उस पर लगेगा वो डेफिनेटली पफ अप होगा, उससे डबल हो सकता है या फिर उससे वन एंड द हाफ हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अदर रॉ प्रोडक्ट आई मीन। तभी रवा अगर छोटा वाला रवा से लिए तो छोटा वाला रवा पहले बहुत सिकुड़ जाएगा, वो ब्राउन होने लगेगा बिकॉज उसके अंदर हाइड्रेशन ही नहीं बचा। एंड वेन यू एड इन द मिल्क, वो जितना मिल्क हो सके उतने अंदर सोक कर लेगा। अगर आपने देखा हो गरम गरम सीरा आपने पैक कर दिया तो उसके अंदर से वाटर वेपर जो निकलता है जो मिल्क का रहता है, बट वो एक ऐसा ऊपर लेयर फॉर्म कर देता है जो बहुत मशी 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 सा रहता है। दैट इज बिकॉज आफ्टर कुकिंग ऑल्सो अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को थोड़ा देर बाहर नहीं रखा ओपन सर्फेस पे तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बढ़ता रहता है या फिर इट टेंड्स टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और अभी तो मतलब सीजन अभी आने ही वाला है बारिश का, सो उसमें तो और ऐसी चीजें होती रहती है, क्वांटिटी का खेल इन सीजन के हिसाब से भी चलते रहता है ना। ये तो बहुत मस्त एग्जांपल है पता है आपको मैं दे देता हूँ अभी। सो हम लोग कॉलेज में थे, लाइक आई एम रिसेंटली पास आउट एंड आई मिस माय कॉलेज सो मच। तो हम लोग हमेशा लाइन पे बैक आउट होते रहते थे, लाइन लेमन्स। तो पता नहीं क्यों एक बार हमारे सर ने बोल दिया कि एक ही बार में बैठ जाओ सारे लाइम्स को स्क्वीज करके एक बॉटल में डालो। मतलब क्यों सर? बोले हम लोग रख देंगे। मैंने बोला सर वो भी ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे किया ओके। उसके बाद हम लोग मार्केट सर्वे करने गए थे फॉर सम रीजन, हमारा असाइनमेंट था। उसके टाइम पे हम लोगों ने देखा कि वो डाबर के लेमनीज करके बॉटल्स आते हैं जिसमें वो लाइम सिरप रहता है कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोगों ने बोला ये यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा वाटर में डाइल्यूट कर लेंगे, हो गया हमारा काम लेमन्स का। तो सर ने बोला दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल टाइम, बट इससे हेल्थ बेनिफिट्स भी है और हेल्थ हैजार्ड्स भी है बिकॉज पैकेज प्रोडक्ट्स में या फिर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट्स रहते हैं उसमें कैसे किया जाता है कि उसका सिट्रिसिटी बहुत बढ़ा दी जाती है। वाइल एज हम लोग जब नेचुरली स्क्वीज आउट करते हैं तो लाइम के अंदर जो थ्रेड्स रहते हैं या फिर उसके अंदर का जो फ्लैश रहता है दैट इज द नेचुरल बैलेंसर फॉर द होल थिंग। लाइम भले ही खट्टा लगे बट उसका ऐसा थॉट स्टिक होने वाला तो कंसिस्टेंसी नहीं रहता, बट वेन यू ड्रिंक या फिर एक थोड़ा सा भी ड्रॉप ऑफ टेस्ट करोगे ऑफ द आर्टिफिशियल लाइम जूसेस अवेलेबल इन द मार्केट, उससे आपके दांत खट्टे होने लग जाते हैं, ऐसे दांत क्रक क्रक आवाज करते हैं अगर घिस गए एक दूसरे पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिकॉज उसमें क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड एक ऐसा एलिमेंट है जो लाइम से निकलता है या फिर लाइम ओर से निकलता है ओके। तो अभी क्वांटिटीज में जब खेल चलते रहते हैं तब ये सारी चीजें भी यूज होती है बिकॉज कैसे होता है अभी कॉन्सेंट्रेटेड चीज अगर आप कम इसमें डाल दो तो वो बैलेंस हो जाती है। वाई? बिकॉज अभी मैंने पता है ये कॉन्सेंट्रेटेड चीजों में आर्टिफिशियल मतलब वो आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स रहते हैं या फिर इम्प्रूवर्स रहते हैं या फिर उसका सिट्रिसिटी ज्यादा होती है या फिर उसका बैलेंसिंग एजेंट या फिर उसके स्पाइसेस या फिर कुछ भी हो वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो मेलो डाउन हो जाता है व्हेन वी एड इन द अदर क्वांटिटीज। दैट इज वेयर यू प्ले सेफ इन क्वांटिटीज ओके। सो ये अभी मेरे को सोच भी नहीं रहा है पता नहीं क्यों, बट मैं एक एग्जांपल देके आज का फोकस खत्म करने वाला हूं। हर एक चीज में क्वांटिटीज का लेना देना होता है। सो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो कुछ भी आप बना रहे हो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल स्पगेटी। स्पगेटी के बारे में भी मैं एक पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ या फिर पास्तास के बारे में पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ जिसमें आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू कमेंट डाउन ऑन मतलब आपको चाहिए या नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो स्पगेटी में लोग सही करते हैं कुछ लोग गलत करते हैं या फिर मेरे से भी गलती होती रहेगी जो आप मुझे सुधार सकते हो। विल कम बैक टू दैट बट पहले इस एग्जाम्पल पे आते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर स्पगेटी। स्पगेटी या फिर पास्ता हम लोग जब बनाना चाहते हैं तब हम लोग सोचते नहीं कि कितना क्वांटिटी में बनेगा, हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, बट वो बाद में गलत हो जाता है कि भाई ये खत्म कैसे होगा। हम लोग तो सोचते हैं, यूजुअली हम लोग कैसे सोचते हैं कि हाँ बाबा मैं इतना स्पगेटी ले रहा हूँ तो मुझे लगेगा मेरे लिए और
इसके लिए काफी हो जाएगा छोटे के लिए। तो बाद में हम लोग जब बना देते हैं वो खुद के लिए भी ज्यादा हो जाता है और इसके लिए भी ज्यादा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जब आप क्वांटिटी के बारे में सोच रहे हो आपको प्रोडक्ट और रॉ इंग्रेडिएंट के बारे में भी सोचना होता है एट द सेम टाइम। ओके, क्योंकि कैसे हो जाता है, अभी अगर मैं वीट लूंगा तो वीट इक्वली बैलेंस आउट हो जाएगा जितना मैंने लिया उतने में, बट राइस के बारे में ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि मतलब राइस के अंदर स्टार्चेस रहते हैं जो फूल जाते हैं या फिर दे टेंड टू एब्जॉर्ब। सो एट द सेम स्टेज मैगी या फिर ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो मैदे से बनती है दे टेंड टू पफ अप, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, दे सोक मोर वाटर, उनके वजह से उनका सटेटी वैल्यू बढ़ जाता है एंड फिर वो क्या हो जाता है, पड़ा हुआ रहता है। बट उससे करोगे क्या नेक्स्ट दिन, फिर से तो वो ठंडी हुई हुई स्पगेटी या फिर पास्ता आप गर्म करके खा नहीं सकते बिकॉज वो नेक्स्ट डे पे अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज है, व्हेन यू कम बैक टू द क्वांटिटी, ये बहुत मायने रखती है। आपको हर एक चीज को सोच विचार करके ही उठाना चाहिए एंड सोच विचार करने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी भी चीज को क्वांटिटी में जब सोच रहे हो तब आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी अंदाजा लेना पड़ता है जो आप उसमें यूज करने वाले हो। मैंने आपको बिरयानी का एग्जांपल इसी वजह से दिया था बिकॉज हम लोग लेते हैं राइस 1 किलो के लिए 1 किलो, बट वो बन जाता है 1 किलो का 3 किलो। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने जैसे आपको थर्ड स्टेज में बताया कि लाइक थर्ड स्टेज ऑफ राइस इज समथिंग कि आपने उसको अच्छे से मतलब साफ कर लिया है, आपने उसको रख दिया है, वो खुल गया है राइस एंड व्हेन यू पुट इट इनसाइड द फ्लेवरफुल वाटर दैट विल डेफिनेटली ग्रो इट्स साइज। तो ये होता है डिफरेंस एंड आई होप दैट दिस डिस्कशन या फिर मेरी ये आज की बकबक आपको थोड़ी बहुत तो भी समझ में आ रखी होगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू पुट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फूडस्केप एंड आई विल सी यू बैक इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। टिल देन सायोनारा।